हेलो गाइस, दिस सुधांशु मान देने वॉचिंग सुधांशु एंटरटेनमेंट। तो लास्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को बीएससी नॉटिकल साइंस का कैरियर पाथ के बारे में बोला था, तो इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डीएनएस का कैरियर पाथ। बिल्कुल आपको कैसे डीएनएस कोर से लेकर कैप्टन तक कैसे आप लोग पहुँच सकते हैं, ये सबका अंदर जो भी है, जो भी प्रोसीड्योर है, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जो मेरा एनालिटिक्स दिखाता है भाई, 92% लोग जो हैं वो मतलब मेरा नॉन सब्सक्राइबर्स है। मतलब लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई इन्फॉर्मेशन भी फ्री मिल रहा है और आप लोगों को सब्सक्राइब करना भी फ्री में ही है, ठीक है? एटलीस्ट उतना तो सपोर्ट कर दो, ठीक है? तो डीएनएस का सबसे, जैसे कि जो कोर्स है आप सभी लोगों को मालूम है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है डीएनएस कोर्स का फुल नेम, ठीक है? ये ऑब्वियसली एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, लेकिन इसको हम लोग अगर एलैबोरेटली बताएं तो डीएनएस मतलब डीएनएस लीड्स टू बीएससी नॉटिकल साइंस। मतलब आपको डीएनएस करने के बाद बीएससी का भी डिग्री मिलेगा, उसका भी प्रोसीडर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक साल का कोर्स है इसका। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th पीसीएम आपको 60% से अबव चाहिए और 10th या फिर 12th पे आपका इंग्लिश में 50% से ज़्यादा चाहिए। उसके बाद आप लोगों को एक अच्छा सा कॉलेज से अपना मतलब डीएनएस को निकालना है। आईएमआई एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, उधर से भी निकाल सकते हो, और भी बहुत सारा बढ़िया बढ़िया कॉलेज है, ठीक है? तो आईएमयू सीट क्लियर करके आपको एडमिशन वगैरह लेना है अच्छा कॉलेज पे। बाकी कैरियर पाथ जो है, चलिए मेरे फ़ोन स्क्रीन पर चलते, मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं फोन स्क्रीन पे। तो ये है कैरियर फ्लोचार्ट। तो ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि पीसीएम पे आपको 12 पीसीएम पे आपको 60% से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट होना चाहिए 60%, उसके बाद 50% इंग्लिश में होना चाहिए आइदर 10th और फिर 12th पे। देन 12 मंथ का 2 सेमेस्टर, जैसे कि एक साल का कोर्स है इसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है? अलॉन्ग विथ मैंडेटरी 4 STCW कोर्सेस एट आईएमआई। आईएमआई का क्यों इधर लिखा गया है, क्योंकि आप आईएमआई छोड़ के भी और कोई भी कॉलेज कर सकते हो, ठीक है? आप आईएमआई पे कर सकते हो, एंग्लो ईस्टर्न पे कर सकते हो, ग्रेट ईस्टर्न पे, जहाँ पे भी आपका अच्छा कॉलेज हुआ उधर भी आप कर सकते हो। तो 12 मंथ का कोर्स है, उसके अंदर आपको STCW का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। देन कोर्स कंप्लीशन के बाद अपना एग्जाम वगैरह सब कुछ देने के बाद आप लोगों को क्या अवार्ड होगा, आर्ट ऑफ डिप्लोमा नॉटिकल साइंस बाय आईएमयू। देन उसके बाद आप लोगों को 18 महीना और मोर ट्रेनिंग पे जाना है। इधर अच्छे से आप लोग देखो, 18 मंथ्स ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कंप्राइजिंग सेमिस्टर 3, 4 एंड 5, ठीक है? तो जो ऑनबोर्डिंग आप जा रहे हो उधर भी आपका सब कुछ कैलकुलेशन होता है, जो कि सेमिस्टर होता है 3, 4 एंड 5। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये ओनली डीएनएस नहीं है, डीएनएस लीड्स टू बीएससी नॉटिकल साइंस, ठीक है? तो 18 मंथ्स ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कंप्राइजिंग सेमिस्टर 3, 4 एंड 5 अलॉन्ग विद डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम विथ आईएमयू। तो ऑब्वियसली आप जब 18 महीना ट्रेनिंग पीरियड पे गए होगे, वो ओनली आपका ट्रेनिंग पीरियड ही नहीं होगा, वहाँ पे आप लोग स्टडी करोगे, क्योंकि इधर आप लोग देख सकते हो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बाय आईएमयू, उसके साथ आपका सेमिस्टर्स जो है बीएससी के लिए 3, 4 एंड 5 वो भी सब कुछ क्लियर होने वाला है 18 मंथ्स के अंदर, ठीक है? देन वो आपका 18 मंथ्स खत्म होने के बाद आपको क्या मिलेगा, अवार्ड ऑफ एडवांस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस बाय आईएमयू, ठीक है? उसके बाद एडवांस डीएनएस का आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। देन उसके बाद आप लोगों को 4 महीने का पोस्ट सी कोर्स करना पड़ेगा सेकंड मैंग फंक्शन का एट एनी रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट फॉलोड इथ एग्जामिनेशन, जो सेकंड मेट का एग्जाम होता है, ठीक है? आपको पोस्ट सी कोर्सेस करना पड़ेगा, सेकंड मेट के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करने के बाद आपको एग्जाम देके क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? अगर एग्जाम आपका क्लियर होता है देन आप लोगों को अवार्ड ऑफ सेकंड मेट COC बाय डायरेक्टर डीजी शिपिंग के तरफ से आप लोगों को सेकंड मेट का मिल जाएगा। तो उसके बाद आप सेकंड मेट फॉरेन गोइंग मर्चेंसीज पे काम कर सकते हो, ठीक है? एज ए सेकंड मेट ऑफिसर, ठीक है? देन उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा ना, बीएससी नॉटिकल साइंस का डिग्री मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, डीएनएस करोगे तो बीएससी का डिग्री मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपको बीएससी का डिग्री मिल जाएगा। बीएससी के डिग्री मिल जाने के बाद आपको 18 महीना फिर से सर्विस, सी सर्विस मारना पड़ेगा एज ए नेविगेशन वॉच ऑफिसर, हो गए ऑफिसर नेविगेशन वॉच पे, ठीक है? उसके बाद फेज 1 एंड फेज 2 का कोर्स होगा फॉलोड बाय एग्जामिनेशन। फेज 1 फेज 2 का कोर्स होगा एग्जामिनेशन के साथ, ठीक है? देन उसके बाद जब आप फेज 1 एंड फेज 2 का एग्जाम पास कर लोगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा फर्स्ट मेड का, ठीक है? उसके बाद आप चीफ ऑफिसर ऑन FG मर्चेंट शिप्स पे काम कर सकते हो। मतलब आज चीफ ऑफिसर आप फॉरेन गोइंग शिप्स पे आप लोग काम कर सकते हो। उसके बाद 36 मंथ्स तक आप सी सर्विस मारना पड़ेगा। उसके बाद चीफ ऑफिसर के बाद आपको 36 फास्टमेंट या फिर चीफ ऑफिसर पे आप लोग 36 मंथ्स तक आप लोगों को सी सर्विस मारना पड़ेगा। सी सर्विस मारने के बाद आपको एडवांस शिप मैनेजमेंट कोर्स
फॉलोड बाय एग्जाम, उसके बाद एडवांस शिप मैनेजमेंट का कोर्स करना है, उसका एग्जाम भी क्लियर करना है, उसके बाद रिटन एंड ओरल एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन एज मास्टर फॉरेन गोइंग, उसके बाद आप लोगों को मास्टर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आप क्या अनिवार का जो मास्टर ऑन FGA आप फिर आप कैप्टन भी बुला सकते हो। तो ये है टोटल कैरियर पथ DNS का। तो भाई लोग आप लोगों ने देखा मैं कैसे DNS का आप लोगों को बताया फुल कैरियर पथ, कैसे आप लोग डेक कैडेट से लेकर फर्स्ट मेट और कैप्टन तक पहुंचेंगे, सबका मैंने क्लियरली आप लोगों को बता दिया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियोज़, थैंक यू।